वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज स्नेहा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक फेशियल जो कि काफी अफोर्डेबल होने वाला है, प्लस सुपर नेचुरल होने वाला है और घर के इंग्रेडिएंट्स से ही होने वाला है। सो जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और सैलून जाना तो पॉसिबल है नहीं, तो अगर आपको चाहिए ग्लोई स्किन तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपकी स्किन होने वाली है ग्लोई, ब्यूटीफुल एंड हेल्दी और वो भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द फेशियल। फर्स्ट स्टेप के लिए मैं हाफ टोमेटो ले रही हूँ और उसके साथ लेना है रॉ मिल्क। टोमेटो एक्नेज एंड पिंपल्स को कम करेगा, प्लस सनटैन भी रिमूव करेगा। हमें ये अच्छे से हमारे फेस पर रब करना है और 2 मिनट्स के बाद फेस वॉश कर लेना, इससे हमारा फेस अच्छे से क्लीन हो जाएगा। स्टीम हमें 2 से 3 मिनट तक लेनी है। स्टीम लेने से ब्लैक हेड्स के प्रॉब्लम्स दूर होंगे। फेशियल करते टाइम स्टीम जरूर लें, उससे फेशियल का जो ग्लो होगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। स्क्रब बनाने के लिए हमें टोमेटो जूस और शुगर ऐड कर, आप चाहो तो ब्राउन शुगर भी ले सकते हो। हमें 2 से 3 मिनट्स के लिए स्क्रब कर लेना है। ध्यान में रखें कि जो स्क्रब हम करते हैं वो हल्के हाथों से ही करना है। शुगर एक अच्छा एक्सफोलिएटर होता है। शुगर हमारी डल स्किन को रिस्टोर करेगी और डेड सेल्स को भी रिमूव करेगी। हमें 2 से 3 मिनट्स के लिए अच्छा मसाज कर लेना है हमारे पूरे फेस पर और उसके बाद ठंडे पानी से हमें हमारा फेस जो है वो वॉश कर लेना है। ये स्टेप फॉलो करने से हमारी स्किन काफ़ी ब्राइट हो जाएगी और स्किन पर अच्छा ग्लो भी आएगा। फेस मसाज क्रीम बनाने के लिए हमें लेना है टोमेटो जूस और उसमें ऐड कर लेना है चावल का आटा या फिर राइस फ्लोर। इसमें हमें दही भी ऐड कर लेनी है और 10 मिनट तक हमें फेस मसाज करना है। राइस फ्लोर हमारी स्किन को बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हमारी स्किन को इवन करता है और पिगमेंटेशन हटाने में भी मदद करता है। दही भी स्किन को ब्राइट और लाइट बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हमें 10 मिनट तक अच्छे से हमारे फेस को मसाज कर लेना है और उसके बाद ठंडे पानी से हमारा फेस वॉश कर लेना है। फेस पैक बनाने के लिए मैं टोमेटो जूस ले रही हूँ और उसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर सकते हो। उसके साथ मैंने पिंच ऑफ द टर्मरिक लिया है और उसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। इससे हमें एक अच्छा थिक पेस्ट बना लेना है और हमारे फेस पर इसको इवनली अप्लाई कर लेना है। हल्दी हमारी स्किन को ब्राइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, प्लस इसमें एक एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है जो हमें पिम्पल्स आने से भी बचाता है। बेसन एक अच्छा टैन रिमूवल होता है जो हमारी स्किन को लाइट करता है और हमें पिंपल्स या एक्ने से भी बचाता है, प्लस जो ऑयलीनेस होता है स्किन पे उसको भी रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मॉनसून में हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाती है और एक्नेस और पिंपल्स के प्रॉब्लम भी बढ़ने लगते हैं। इन दिस केस हमें बेसन हमारी स्किन पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हमें फेस मास्क अच्छे से हमारे पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है और 15 से 20 मिनट्स तक हमें वेट कर लेना है। फेस मास्क सूखने के बाद हमें इसको वॉश ऑफ कर लेना है। ये नेचुरल फेशियल आप घर पर ज़रूर ट्राई करना, इससे आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो गाइज, जो टोमेटो होता है ना वो हाई इन पोटेशियम होता है प्लस हाई इन विटामिन सी होता है। सो विटामिन सी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्किन के लिए। वो हमारी स्किन के डल स्किन को रिस्टोर करता है एंड हमारी स्किन को स्किन ग्लोई बनाता है प्लस क्लीन एंड क्लियर बनाता है। हमारी स्किन को सन डैमेज से प्लस एजिंग होने से भी बचाता है। ड्यू टू द एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज जो एक्सेस सीबम होता है, सीबम मतलब जो हमारा एक्सेस ऑयल आता है ना स्किन पे, वो तो उसको भी कंट्रोल करता है प्लस हमारी स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है, हमारे जो पोर्स होते हैं उसको श्रिंक भी करता है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आप स्किन केयर में इससे कोई वैल्यू ऐड हुई है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।